मंच पर आसीन नाबार्ड के सीजीएम आदरणीय महापात्रा जी, हमारे गुरुदेव और हमारे मार्गदर्शक सर्वमित्र शर्मा जी, लोकेश कावड़िया जी, आप बीजेपी एनजीओ प्रकोष्ठ के उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस कार्यक्रम को डिजाइन करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। निवेदिता जी, प्रोफेसर संजय जी और सभी वक्तागण, विद्वानगण और मेरे प्रदेश से अलग अलग हिस्सों से पधारे ग्रासरूट एनजीओ के प्रतिनिधि, इस कंपनी में इस समारोह में हिस्सा ले रहे जितने भी स्पॉन्सर्स, एग्जीबिटर्स, विशेषकर आदित्य बिरला ग्रुप, जेके लक्ष्मी सीमेंट, सीएमआर यूनिवर्सिटी, एक्स्ट्रा मार्क एजुकेशन फाउंडेशन, कंसोल, खबरची, पीआर पार्टनर, वर्कमैन, आईएम रायपुर की कर्तव्य टीम, रामदास दत्ती फाउंडेशन, पीएम साहब फाउंडेशन, समग्र सैनिटेशन एंटरप्राइज, बिमटेक फाउंडेशन, रंगनाथन सोसाइटी फॉर लाइब्रेरी डेवलपमेंट, गैलवे फाउंडेशन, आईएम रायपुर, नाबार्ड, वेदांता, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, अडानी, अंबुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट, यूपीएल लिमिटेड, डीआरजीओ, हेल्पेज इंडिया एंड कॉक फ्री, इसके अलावा सभी इस सभा को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी संस्थाओं को, व्यक्तियों को मैं इस सभा में स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम की रूपरेखा करीब 4-5 महीने हम लोगों ने तय की थी। लोकेश कावड़िया जी ने मुझे एक कार्यक्रम में बुलाया था जिसमें बीजेपी के एनजीओ प्रकोष्ठ से उसकी मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में मैंने एक वादा किया था कि एक ऐसा कॉन्फ्रेंस करेंगे छत्तीसगढ़ में जिसमें एनजीओ और कंपनी एक साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में चर्चा करें, और ये उसी का परिणाम है इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ तक पहुँचाने में। इस सभा का दो उद्देश्य हमने रखा कि पिछले कुछ सालों में सीएसआर की एक्टिविटी बढ़ी है नया कानून बनने के बाद। 1 अप्रैल 2014 में जब नया कानून लागू हुआ था भारत में सीएसआर पर, उसके बाद से जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो काम है उसमें काफ़ी तेजी आई। तो ये इस कार्यक्रम से हम ये जानने की कोशिश करें कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी कंपनियां किस किस जगह में और किस विषय पर किन परिस्थितियों में काम कर रही हैं, और दूसरा हमारे जो ग्रासरूट एनजीओ हैं जो सघन ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं विषम परिस्थितियों में, वो किस तरह इन कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के जो फंड हैं उसके साथ मिलजुल कर काम करें, इंडिविजुअल डोनर के साथ काम करें, फिलान्थ्रोपिस्ट हैं उनके साथ किस तरह तालमेल बिठाकर काम करने की कोशिश करें, दो महत्वपूर्ण इस सभा के मेरे मन में उद्देश्य हैं। और हमने अभी छत्तीसगढ़ से विभिन्न हिस्सों से पधारे एनजीओ के प्रतिनिधियों से ये जानने की कोशिश की कि वो किस तरह काम कर रहे हैं। हालांकि हमने बहुत कम लोगों को बुलाया, हमने काफ़ी सूचना दी लोगों को, व्यक्तिगत रूप से मैं बात किया, मैं रोज़ कम से कम 50 लोगों से बात कर रहा था इसको लोगों तो को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, लेकिन बारिश हो रही है और छत्तीसगढ़ काफ़ी बड़ा है, सुबह के समय में इतने पहुँचना काफ़ी लोग और भी आ रहे हैं मुझे उम्मीद है। मेरा ये मानना है कि अच्छे लोगों को अच्छे काम की बौछार कर देनी चाहिए और उसके लिए किसी भी संसाधन की, किसी भी नेटवर्क की चिंता किए बगैर आपको लगता है कि आप किसी काम को कर सकते हैं तो उसको करने के लिए तत्काल जुट जाना चाहिए।
उसके बाद में तो फिर लोग उसके साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहला हमारा काम है कि हम यदि हम अच्छे समाज में रहना चाहते हैं और यदि हम अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति मानते हैं समाज में, तो हमें अच्छे काम की बौछार कर देनी चाहिए बिना सोचे समझे। बस इसी शब्दों के साथ संजय जी सर, आप सभी जो यहाँ पे हैं उनके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि जिस रूप में यहाँ पे हैं, आपके अंदर जो भावना हुई है कि सीमाओं सरहदों पे नवक्त जाया कीजिए, सीमाओं सरहदों पे नवक्त जाया कीजिए, परिंदों की तरफ आया जाया कीजिए, परिंदों की तरफ। जिस तरह से आप काम कर रहे हैं उनके लिए दो नहीं कि मिलते हैं कितने दिन इन लकीरों को बदम, मिलते हैं कितने दिन इन लकीरों को पद्म, हर लम्हे को खुदा सा सजाया कीजिए, परिंदों की तरह आया जाया कीजिए। फिर से एक बार स्वागत। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ निवेदिता वर्मानी जी को, सीनियर मैनेजर सस्टेनेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी परमान रिकॉर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। दैट मीन्स अपने विचारों को रखें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। कोलोनिका चैरिटेबल फाउंडेशन को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मेरा नाम निवेदिता वर्मानी है। मैं इस कंपनी से पिछले 12 साल से जुड़ी हूँ और ये ऑल इंडिया लेवल पे काम कर रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने इस बार इंडिया को भी और एशिया को भी बोला है काम करने के लिए, हमारी कंपनी उन पर खास ध्यान दे रही है। 5 ऐसी, मुझे बोला गया है कि मैं हिंदी में बोलूँ, सो आई होप यू कैन हियर। सो पनोरिका चैरिटेबल फाउंडेशन 5 प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। वाटर कंजर्वेशन, लाइवलीहुड्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन। ये सारा इंस्पिरेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से आया है, जिस तरह से उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम शुरू करे हैं। हम भी उसी तरह से अपने प्रोग्राम्स को नेशनल एजेंडा के साथ जोड़ रहे हैं ताकि देश का एक साथ विकास हो। देश का विकास तब होगा जब कंपनीज और लोगों का, कम्युनिटीज का विकास होगा। अगर सबका एजेंडा एक होगा तो हम शायद कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। वाटर कंजर्वेशन में हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स करे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स करे हैं। मैं एक वीडियो दिखाना चाहूँगी आपको, जो कैन यू प्लीज़ प्ले द वीडियो।